प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप्रिय महादेव सखा के दर्शन हो और मन आनंद में नृत्य ना करे ऐसा कैसे हो सकता है देवी ऐसा दुर्लभ अवसर वो भी बार बार सबको थोड़ी ही मिलता है मुझे चिढ़ाने का प्रयास सफल नहीं होगा महादेव आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी आने वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्न प्राशन संस्कार है और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो ऐसा कैसे हो सकता है महादेव प्रभु दो दिन से यहीं अटकी हूँ अटकी नहीं हो मुरली तुम तो लटकी हो प्रभु मुरली बाबा आ रहे हैं तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना फिर मैं संभाल लूंगा कान्हा ये कहां से आई तुझे चाहिए जे इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी काना तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगा बोल देखो वचन सुनाएगा ना आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा आप बस मुरली दो तो एक बार नन्ना जी मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं ना ना उन्हें लिवाना तो मैं स्वयं जाऊंगा जाना पड़ेगा लल्ला तेरे अन्नप्राशन की तैयारी जो करनी है आता हूं मैं हां अभी आ बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए चिंता मत करो मुरली इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा नहीं जे बार बार कौन रख देतो है तेरे पास इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई देतो है क्या तुझे चोट लग गई तो दुखी मत हो लल्ला तेरे खेलने के लिए कछु और ले आएगी तेरी मैया ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगो है तेरा क्या चाहिए तुझे तू बता दे मुरली के माखन दोनों थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला फिर माखन तो क्या माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को और तुझे अच्छी तो लगेगी ना ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था पर ना रावण के दशीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज दो दिन हो गए ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं स्वामी यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है
कंस कंस महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपला सुर। हो गया कल्याण, कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सबका कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। बनाती मैं तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है कुछ पतो ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा, मैया चाहे जो बनाए पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा जो तुम बनाओगी वो काना पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और खाना को अच्छा ना लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो? ना ना, मुझसे ना बनेगो आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए, उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाते हैं। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा किसी और से भोजन बनवाओगी अपने काना के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रंगोली में देवी के चंद चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं।
चल चल, यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ, मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर, अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ, देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहां से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवकी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नंद भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा मैं कुछ सहायता करूं? ना जी जी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए, आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ, अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने, आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माएं मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ? अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भराया। दो दो माओं के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपला सुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपला सुर? अपने भगवान के सामने नकमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो? प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता।
ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान, शरणागतों के भगवान कंस की, श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है, अब अन्न प्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नन भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्न प्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है, वो भी तो उसे मिलना चाहिए। यशोदा, ये कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए, चलो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्न प्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी, अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर। प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु, आज आपका अन्न प्राशन संस्कार है, अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुलवासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु, बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्न प्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ जल जाएगा, अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया। प्रभु
कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे, तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रहा है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जी, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनाना, तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो ना जी। परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी। स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। आनंद आ गया। मां अन्नपूर्णा, मैया की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माखन, जो तुमने कान्हा के लिए निकाला था। इसे माखन खाने की बहुत इच्छा है। माखन मल्ला, पहली बार माखन चखा, कान्हा को मिला ये अनुपम स्वाद। नाता प्रभु का गौ से जुड़ा, अब होगा अजर अमर ये साथ। अब होगी रुचि चुनाव की रीति। जाइए, वस्तुएं लेकर आइए। हाँ, सब वस्तुएं ले आते हैं। हाँ। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जी मुरली जी, तो भाभी ने ना दी थी, फिर से कहाँ से आ गई? जी किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी ले, इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य ना करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हो। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जो यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगो। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे, वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है,
ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा काना, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रोए, इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है कि क्या उठाना है। अरे जे देखेगो तभी तो सीखेगो। पहले बलराम से चुनाव करवाते, हो सकता है उसके देखा देखी काना भी कुछ उठा ले। जीजी, नारायण की लीला कितनी न्यारी है, मेरे बलराम की ये रीति छूट गई थी, उसी बहाने हो जाएगी। बलराम पुत्र, तुम्हें जो चुनाव करना है कर लो। आपके बल की सूचक यहाँ केवल एक ही वस्तु है दाऊ। हल, बलराम ने हल चुना है, ये प्रतीक है कठिन परिश्रम और बल का। दाऊ से अधिक बलशाली और कोई नहीं। बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना मुझे। चल लल्ला, अब तेरी बारी। लल्ला देखना, जे मोर पंख वाली डंडी, और वो देख वो गदा। लल्ला कुछ तो उठा ले, अपनी मैया की लाज रख ले। लल्ला, पर जो मुझे चाहिए वो यहाँ है ही नहीं मैया। काना कछु उठा काहे नहीं रहे हो? जे कहाँ से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था, क्या पता इसे रख दूं तो जे ही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुनो है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है, ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद, शांति और आनंद। अरे कुबेर महाराज, ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा।
मुरली, इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज, अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह महाराज, फंसा के चलते बने। अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण, यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। भूल गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने। किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, जी तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था।
अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु। आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपला से? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपला सर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? सुना तुम सबने, चपला सुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा, गोकुल जाके। नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। सारा स्वर्ण छिपा दिया, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा हूं। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूं प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा, पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुलवासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा? मुरली धर कहलाएगा मेरा कान्हा, बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही? मैया की लीला मैया ही जाने, मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा, अब तू इसे रख सकते है। सुना तुमने, आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई
मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा। अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू, अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना, मेरा विश्वास कीजिए। उस बालक से शत्रुता ठानना याद है, साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति, वह यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तो मत करो अस्ती, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है, और उसे कहां खोजा जाएगा। कान्हा, अभी ना। पर क्यों मैया, अब तो मेरा अन्न प्राशन भी हो गया, माखन खीर सब तो खा चुका हूँ, अब लड्डू भी खिला दो ना मैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना लल्ला। ना मानेगो? प्रभु, अब क्या करोगे आप? वही जो हर बालक करता है। दुखी मत हो कान्हा, ये सारे लड्डू तेरे लिए तो हैं, पर पहले नारायण को भोग तो लगाना पड़ेगा ना, और उसके लिए हमें जाना है तेरी बड़ी मैया के घर। अर्थात बाहर जाने को मिलेगा, ये हुई ना बात। रोहिणी जीजी ने कही थी जब सब आ जाएंगे वो स्वयं आएंगे हमें बुलाने, फिर हम खटाक से जाएंगे और खटाक से पूजा करके दोनों मैया और कान्हा लड्डू का आनंद उठाएंगे, समझ आई? बलराम, जाओ अपनी छोटी माँ छोटे भाई को बुला लाओ।
आगो बलराम। मेरा कान्हा भी चलने लगता जीजी, दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा, पर अब तुम चलो, देर हो रही है। हाँ लड्डू बांध लो। भाभी आप कान्हा को ले लो, प्रसाद के लड्डू मैं ले आती हूँ। चल। होगा आज बड़ा प्रेम आ रहा है जानकी पे, हैं? जानकी पे प्रेम ना आ रहा है, जानकी के हाथ में जो लड्डू है ना उस पे प्रेम आ रहा है। क्यों रे लल्ला? मैया हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ। चले जीजी। ये पर्वत नहीं परीक्षा है मेरी, पर इसके शीश को, इसके आसमान को छूते शिखर को अपने पांव के तले दबाकर रखूंगा मैं, क्योंकि वहीं मुझे मिलेगा वो जो मुझे मना नहीं कर सकता। किसी भी पर्वत का शिखर इतना दुर्गम नहीं हो सकता जहां कंस नहीं पहुंच सकता। शांति भाभी खेलने दो ना, कान्हा और बलराम को भी नया मित्र मिल जाएगा। आओ दाऊ अपने नए मित्र का स्वागत करें। कान्हा बलराम जी देखो प्रसाद। अरे इतनी शीघ्र नया मित्र में बना लियो। अच्छा तो जे बताओ सबसे पहले प्रसाद कौन खाएगा? ले आओ। कान्हा अरे मेरा कान्हा पीछे रह गया। शांति तेरा लल्ला तो बहुत शीघ्र चलने लगा। पर जे
कान्हा से छोटो है ना? हाँ, कान्हा के लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ था जी। 2 सप्ताह छोटो है, तब तो मेरे कान्हा को भी चलना सीख जाना चाहिए था अब तक। ए, ए। मैया, लल्ला, अवश्य ही भील बाबा के तेल से मालिश की होगी शांति ने। तू भी करती तो हमारा उज्जवल इस तरह गिरतो पड़तो ना रहतो। कुछ कुछ लगा तो नहीं तुझे? चल भाभी, ये बालक कैसे ताक रहे हैं आपको? लो बलराम। तू भी ले। कान्हा ले लल्ला। चिंता में तो ना पड़ गई, तेरा कान्हा आज चल ना पायो। ना मौसी, इसमें चिंता की कौन सी बात है? आज ना तो कल चलना तो सीख ही जाएगा जे। बल्कि सबसे पहले दौड़ना सीखेगा जे। और अपने साथ साथ से सभी को अपने पीछे दौड़ाएगा मेरा लल्ला। आपकी ये बात भविष्यवाणी बनने वाली है मैया। बस दौड़ना सीख जाओ, फिर आप सबको दौड़ाऊंगा, इधर से उधर, उधर से इधर। किधर? देर ना हो रही, चलो। आज मेरा लल्ला चलना सीखेगा। मैं ना चाहती कि मेरा लल्ला किसी से भी पीछे रह जाए। मंदिर में तो ऐसे दिखा रही थी जैसे आपको कोई चिंता ही ना है, और घर आते ही प्रतियोगी बना रही हो मुझे। बिछा दे। अच्छा लल्ला, इधर खड़ा हो जा। मुझे ही पता है मैं कैसे खड़ा हूँ मैया। कभी लगता है इधर गिरूंगा तो कभी उधर। ओहो, इसका अर्थ तो यही है ना कि मेरा लल्ला भी चल सकता है। मैया नहीं, यशोदा, जब तक ये स्वयं से प्रयास नहीं करता तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। ये तो मैं मान ही ना सकती जिद्दी, जो यशोदा का लल्ला है। ऐसा हो ही ना सकता कि इसे चलना ना आता हो। हाँ, जे अवश्य हो सकता है कि इसे पता ही ना है कि जे चल सकता है कि ना। चल लल्ला, चल कर दिखा, चल। लगता है आज मैया नहीं मानेंगी। दाऊ, चलने की विद्या सिखाओ शीघ्र। जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं कान्हा, पर करके तो देखना ही पड़ेगा। एक पांव पर तन का भार डालकर संतुलन बनाओ और दूसरे पांव को उठाने का प्रयास करो। क्षमा करना मैया, ये ना हो पाएगा। तो बैठ दो, कोई बात ना है लल्ला, हम फिर से प्रयास करेंगे, है ना? चल खड़ा हो जा, आ जा। लल्ला, मैया की कहीं मानते हैं ना? चल खड़ा हो जा, आ जा। लगता है इसका मन ही ना कर रहा चलने का। नहीं नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम व्यर्थ ही हड़बड़ा रही हो। देखो,
कुछ बालक शीघ्र चलना सीख जाते हैं और कुछ तनिक विलंब से। जैसे ही लल्ला के पाव उसके शरीर का भार संभालने योग्य हो जाएंगे और ये एक पैर पर संतुलन बना पाएगा, ये चलने लगेगा। आप ठीक कह रहे हो जिट्टी, अब जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। हाँ तो मैं चलूं, तुम अपना ध्यान रखना। जिजी, इसके दाऊ ने कब चलना सीखा था बताओ ना जिजी, बलराम को कितना समय लगा था? समझ लो कान्हा जितना ही था, पर तुम चिंता मत करो यशोदा, शीघ्र ही ये भी। ना ना, मैं ना घबरा रही, आप निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ भाभी, सुलक्षणा चाची के साथ गौशाला जाना है। सब ठीक है ना कंस? ठीक है ना कंस? अभी तो यही थी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह, या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। सरलता से मिले या कठिनाई से, एक सप्ताह में मिले या एक वर्ष में, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। दिखा, पाँव तो ठीक लग रहे हैं तेरे। अरे मैया, मेरे सब अंग ठीक है, मुझे तो कोई समस्या ना दिख रही, फिर चल क्यों ना पा रहा है तू? अभी तो जो छोटा है। छोटा? वो शांति है ना, उसका लल्ला इससे 2 सप्ताह छोटा है। आज मंदिर में स्वयं चल के आओ मेरे पास लड्डू खाने। तो मेरी भूली यशोदा रानी, सारे बालक एक जैसे ना होते, कुछ को दूसरों से अधिक समय लगता है चलना सीखने में। अब मुझे ही देख लो, उपरांत भैया ने बताई थी कि मुझे बहुत विलंब लगा था चलना सीखने में। पर कान्हा मुझ पे गए थे, मैंने तो बहुत शीघ्र चलना आरंभ कर दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम शीघ्र ही कान्हा को चलता हुआ देखेंगे फिर। हाँ? कैसे? रोहिणी जिज्जी ने कही कि इसके तन का संतुलन बनाना इसे सीखना पड़ेगा और इसके पाँव भी तन का भार संभालने योग्य होने चाहिए, शक्तिशाली। सोधा, मुझे पता है जी कैसे हो पाएगा। क्या करना है? वो मैं संभाल लूंगी, आप बस लल्ला को संभालो तनिक। मैं अभी आई। काना तैयार हो जा, जब तक तू चलना ना सीखेगो तेरी मैया शांति से सांस ना लेगी। यही तो चिंता है बाबा। हाँ
जे क्या है? जे है शक्तिवर्धक तेल। मुझे मैया पर पूरा विश्वास है बाबा, पर आप पूछो तो सही कि ये क्या कर रही है। यशोदा, तुम करने क्या वाली हो, जे तो बताओ। अपने कान्हा के पाँव में शक्ति भरने वाली हूँ। इतना करने की तो आज्ञा है ना इसकी मैया को कि ना है? मैंने कब कही आज्ञा? हाँ, अब मैया को और उसके लल्ला को अपना कार्य करने दो और व्यवधान तो मत ही डालियो आप। चल लल्ला। अब देखियो लल्ला, कैसे तेरे पाँव शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तू चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। देखो तो सही, मैया और लल्ला कर क्या रहे अंदर? ये भील बाबा का जो तेल है ना, इससे तेरे पाँव घोड़े के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे भाई, बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहे हो? ये तेल यहाँ क्या कर रहे हो? लल्ला, लग तो है तुझे ही ना, तेरे बाबा को भी तेल क्या मिल सकता है? इनकी आप जानो मैया, पर मेरा अंग मर्दन तो हो गया ना आज के लिए। संकरी मौसी बता रही थी के शांति ने अपने लल्ला को जेही वाला तेल लगाया था, इसीलिए तो मेरे काना से पहले चलने लगो, नहीं तो मेरा राजकुमार किसी से कम है क्या? अब प्रयास करें, हाँ चल, हाँ हाँ चल, आजा। आजा लल्ला, चल लल्ला, आजा, 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 आजा। हाँ, हाँ, आजा लल्ला। तेल से शक्ति मिलती है यशोदा, चमत्कार ना होते जी, कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, इसका प्रभाव दिखने में समय तो लगेगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं प्रतिदिन मालिश करूंगी अपने लल्ला की। सोच ले यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें, अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, से नहीं मिलेगा। कहा था ना, सरलता से कुछ भी नहीं मिलेगा, और तुमने तो अभी से ही पराजय स्वीकार कर ली। रुको,
दूर क्यों जा रही हो? निकट आओ। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। तुम जानती नहीं हो कौन हूं मैं। मथुरा नरेश कंस है, जो चाहता हूं उसे पाता हूं। और ये लक्ष्य, ये भी अपवाद नहीं बनेगा, इसे जीत कर रहूंगा मैं। प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर जो लगा दी आपने मथुरा नरेश। इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो ना जाने कितना समय लग जाएगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। सोच में डूब गए। जो चाहिए आगे बढ़ो और प्राप्त कर लो। मैं या वो, क्षमा करियो लल्ला, तू चलना सीख पाए इसलिए बार बार गिरने पर विवश कर रही हूं तुझे। लगता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। अवश्य ही तुझे आवश्यक पोषण ना दे पाई मैं। यशोदा, व्यर्थ ही तुम स्वयं को दोष दे रही हो। खाना को थोड़ा समय दो, अपने आप ही चलने लगे हो। बहुत अच्छे से चलेगो। प्रयास कर रहा हूँ मैया, और एक बात बताऊँ, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। यशोदा, तुम मैया हो, बालक का पालन पोषण कैसे करना है जो मुझसे अधिक समझती हो, है ना? मैंने कहा था ना
जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। अनेक बार कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। कंस के हृदय को जो भाता है कंस उसे अवश्य पाता है। जो चाहिए था जो मिल गया ना तुम्हें, क्या हुआ मथुरा नरेश? मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? तुम्हारे भी अनेक कर्म अनेक व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम? कहना क्या चाहती हो? जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? हाँ जानता हूँ, बहुत अधिक श्रम करके और असहनीय थकान सह कर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। झूठ, अनेक झूठ। तुम यहाँ अनेक निर्दोषों की बलि चढ़ाकर यहाँ पहुँचे हो ना? हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर। बस, बस। मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई। मैंने केवल इन्हें एक दायित्व सौंपा था जिसे ये पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इनकी मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं, इन इन सब का है। किंतु तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो? नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए, हो सकता तो भरपूर होते हैं इसमें। करछुल कहाँ रख दी? कोई नहीं रोक सकता मुझे। कोई बड़ा होगा तू? हाँ, क्या अपनी मैया की सहायता करने लगो? आजा, आजा, आजा लल्ला। कौन है ये?
छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके, ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल देवकी की आठवीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्ना सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? चल नहीं, ये तो झांकी है मामा, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस, क्षमा करना लल्ला, इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने, और देख आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल अब चल के बाबा को दिखाते हैं, और तू भी चल सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में। अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है, वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है।
बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। अब देखना सब कैसे मेरा काना ठुमक ठुमक के चलेगो और इसके पग रखने की ध्वनि ने तुम सबकी हृदय गति ना बढ़ा दी ना तो कहना सबको दिखा दे कि यशोदा का काना भी चलना सीख गो चल आ प्रणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन के बदले धन और उपकार के बदले उपकार, ऋण नीति तो यही कहती है तृणाव्रत। तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा। नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा। दिखा दे कि यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो चल आ पर हाँ, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है, तो सोच लो समझ लो तोड़ तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। विष्णु मैंने कही थी ना यशोदा जी बहुत शीघ्र चलने लगेगा, देखो।
तनिक और एक बार निकट आओ तो सही, जहां तक मेरी पहुंच है बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाओ। ना लल्ला, इस सीमा के बाहर ना जाना है। मैया सही कह रही है पुत्र, तनिक बड़ा हो जा फिर जाना। बाहर जाना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी ना, बहुत प्रतीक्षा करनी है अभी। हाँ नहीं तो प्रतीक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है, पर कब तक? कभी ना कभी तो मेरे पहुंच तक आओगे ही। उचित अवसर की ताक में अब से प्रतीक्षा, मेरी आंखों में बसेगी नंदलाला। दिन हो या रात, आज से मेरी आंखें सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी। चले गए थे आप, और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं हस्ती। स्वामी, आप स्वस्थ तो है ना? पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। देख लन्ना, तेरे जन्मदिन के दिवस के दिन सारी गोपियां कितना सज धज के आई है, देख लो। तेरे जन्मदिन के स्नान की तैयारी यहाँ चल रही है और तू है कि बाहर देख रहा है? मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंध? आप तो प्रसन्न हो ना, लल्ला का पहला जन्मदिन है फिर भी उत्सव छोटो ही रखो है मैंने। चले उत्सव समाप्त हो जावे गो जानकी, शीघ्र चल चल। वैसे बरसाना जाने की क्या आवश्यकता थी, मावा तो गोकुल में भी मिल जातो। मिठाइयों के लिए सबसे उत्तम मावा चाहिए था उन्हें। भाई तूने सही कहा, उत्सव का आनंद तो पक। क्या होगा? कछु ना, मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सव का आनंद तो पकवानों से ही आता है। हाँ, जन्म दिवस का उत्सव नहीं, मरण दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गोकुल में।
लल्ला, उत्सव तो भीतर है, तू बार बार बाहर क्या देख रहे है? कान्हा तैयार हो जा, आज ये सारी गोपियां मिलकर तुम्हें स्नान करवाएंगी। मंगल है दिन मंगल तेरा पंचमी किसे लल्ला नहाए वरन घट है गोकुल का प्यारा अपनी मैया का है ये दुलारा जियो जग जग जियो नंदलाला जियो जग जग जियो नंदलाला जियो जग जग जियो पहले पूरे गांव का विनाश करूंगा, फिर उस बालक पर विपत्ति बनकर टूट पड़ूंगा। आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है। इसीलिए जिसे आपने भेजा है उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर असफलता का संदेह भी मृत्यु का वरण कर लेता है कि कहीं तृणाव्रत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणाव्रत? वही तृणाव्रत जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणाव्रत को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो तीन बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मुझे तो कुछ चिंता की बात ना लग रही। पल भर को मुझे ऐसा लगो कि जैसे भयंकर रूप बिगड़ ना रहो है, सुहावना हो गए। मेरे कान्हा का जन्मदिन है ना, तो तीव्र वायु चला के प्रकृति बधाई दे रही है। विनाश के संकेत दे रही है मैया, ये सावधान होने का समय है। मैं चलती हूँ यशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी। हैं?
संक्री मौसी, मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतनी शीघ्र क्यों जा रही हो? अरे जानकी कस्तूरी, तुम सब कहाँ चली? भाभी जाने का मन तो मेरा भी ना है, किंतु जाना पड़ेगो। घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने। हाँ भाभी, और मुझे भी देखना पड़ेगा कि घर पे सब ठीक है कि ना। क्षमा करियो जीजी, मैं चलती हूँ। यशोदा, लगता है मैं द्वार और झरों के खुले ही छोड़ आई हूँ, जाकर संभालती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और बलराम भोजन के समय से पहले ही आ जाएंगे। सुलक्षणा, तू भी? मेरे पापड़ बाहर चटाई पर सुखाए थे, इधर उधर हो गए तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगो। पर कान्हा के जन्मदिन का भोज तो खाने आ जाना। अरे कोई आए ना आए, मैं तो अवश्य आऊंगी, और सबसे पहले भोजन व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगी मैं। हाँ यशोदा, मैं अभी तनिक गौशाला देख कर आता हूँ। बंसी चलो। जाने दो सबको लल्ला, तेरे जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए मैया और लल्ला हम दोनों ही पर्याप्त हैं। बात तो सही कही मैया, पर मुझे तो इस अनचाहे अतिथि को भी संभालना है। अन्नप्राशन से पहले भी यही हुआ था, और आज भी अचानक प्रकृति देवी क्रोधित हो गई है। हे नारायण, जे उत्सव के समय ही कोई ना कोई विघ्न क्यों आ जाता है? मैं तो बस तेरा जन्मदिन विशेष बनाना चाहती हूँ लल्ला। मेरा बस चले तो सारे संसार को विवश कर दूं कि ये दिन उत्सव के जैसे मनाए। पर मैं तो अपना जन्मदिन आपके साथ मनाकर ही प्रसन्न हूँ मैया। अच्छा जी, तो तू भी अपना जन्मदिन केवल अपनी मैया के साथ मना के प्रसन्न है? तो बता पहले क्या करें, गीत गाए कि नृत्य करें? बता। मैं संगीत बजाऊं प्रभु? आनंद आ रहा है? आज तेरा जन्मदिन है काना, जितना मन करे उतना उड़। ये असुर तो मेरी आशा से भी अधिक निकट आ पहुंचा है, मैया के सामने इसका सामना कैसे करूं?
तो तू है वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो त्रिनावत जिसके काल ने स्वयं पुकार कर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ऊंचाई से गिरकर जब वो प्राण त्यागेगी देखने में बहुत आनंद आएगा। जिस कंठ से तुमने ये अपशब्द मेरी मैया के बारे में कहे हैं, आज उसी कंठ से तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा त्रिनावर। ये मैया के सम्मान के लिए एक पुत्र का वचन है। महाराज कंस को वचन दिया है मैंने, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। जे इतना भारी कैसे होगा? या मैं ही थक गई? चल लल्ला बैठ के खेलते हैं। हाँ बैठ जा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? मैं मैया के सामने त्रिनावर्त को नहीं आने दे सकता और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी। वायु तीव्र हो रही है लल्ला, भीतर चले। एक उपाय है, बहन योगमाया सहायता करो ना। यशोदा, इसके जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना? बहन मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ और हाँ, इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। आपके सीख बहुत काम आई मेरे, जैसा आपने बताया था ना वैसी मालिश करती हूँ इसकी। मैं तो बताना ही भूल गई, कान्हा नाम है इसका। वैसे तो कृष्ण नाम रखो है पर आप भीतर आइए ना। धन्यवाद बहन, बस अब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना कर लूं। अब आओ त्रिनावर। मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या त्रिनावर? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ। We'll be right back.
तो ये सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है। अब तो और भी आनंद आएगा इस युद्ध में। तेरी हत्या करके कंस के दरबार में आज के युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा मैं। जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई वो कार्य ये करके दिखाएगा। महान राक्षस योद्धा तृणावर्त। देखना ऐसे दबोच लेगा तृणावर्त उस बालक को अपनी मुट्ठी में। बहुत खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर भूमि पर फेंकूंगा तब कैसे मुस्कुराएगा विष्णु अवतार। आज तृणावर्त उस दुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा और तब उत्सव मनाइएगा महाराज। आने वाले सुख की कल्पना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता, भाग्य को बुरी दृष्टि लग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तृणावर्त अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगा, पर कार्य पूरा होने के बाद उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी मानी जाती है महाराज। कुछ अधिक ही बोलने लगी हो। चुई मुई सी प्राप्ति के मुख में उसकी जीव अपना अस्तित्व खोजना चाहती है। उसे सीमा में रखो। आप तो कछु खा ही ना रही, तनिक तो लो। चक्कर बताओ कैसा लग रहा है, मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूं। जसोदा, हाँ? छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ, आप यही रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगू मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई आज तक भला। कान्हा, 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 कहाँ गयो, कहाँ गयो, कान्हा। अद्भुत है अपनी संतान के लिए इस माँ की ममता, अपनी सुरक्षा का ध्यान तक नहीं है परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महाभयंकर झंझवात से लड़ने चली गई है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भ्रमण के लिए ले जा रहा हूँ? रुक, तुझे और ऊपर ले जाता हूँ, तभी तुझे ऊंचाई से गिरने के भय का अनुभव होगा।
मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ बालक। तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे। और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो वो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। वाह तृणावर्त वाह। इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। मैं प्रभु की सहायता के लिए जाऊं या नहीं? इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। इसे मेरी मुस्कुराहट से चिढ़ है, तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र। इन्हें तो मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। यदि होगी तो ये सदैव की तरह मेरा स्मरण अवश्य करेंगे। तब तक उचित क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ऐसी भीषण आंधी आज तक गोकुल में ना आई। मुझे लल्ला और यशोदा को संभालना होगा, कहीं वो भयभीत ना हो जाए। ओला बाजी, नंजी। यशोदा। काना ना मिलो। काना कहाँ है? कहीं मिला? कहीं मिला? लल्ला। ओला बाजी मिला। लल्ला। बोला पंछी, चल पंछी उठो। बोला बोला उठो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कान्हा कहाँ है? नंदा जी, आंधी में कान्हा की रक्षा करने का प्रयास किया था हमने। प्रयास किया था, इसका क्या अर्थ है? रानी भाभी, हमने देखो कि बहुत तीव्र आंधी आ रही थी। हम कान्हा को बचाने के लिए भागे भी, परंतु हमारे पहुंचने से पहले ही हमें भयानक आंधी ने घेर लियो और हमें उठाकर यहाँ पटक दियो। ना जी, आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरा हृदय कह रहा है कान्हा ठीक ही होगा, किंतु है कहां? या सुधा कछु न हो वो काना को। काना चलो ढूंढो काना को। काना बड़ी शीघ्रता है तुझे यमलोक में जाने की, तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है। तनिक ठहर और अधिक ऊंचाई पर ले जाकर फेंकूंगा तुझे, तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी। चलो त्रिनावर, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे।
ले जाने वाले थे मुझे। काना! 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 अचानक पहाड़ जितना भार कैसे आ गया इसमें? अभी से घबरा गए त्रिनावर? अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। त्रिनावर फेंक दो उसे। लला, काना, काना। हमारे काना को कुछ ना हो सकता, वो ठीक होगा ना जी? कहाँ गया काना? इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली? बस बहुत हुई तेरी माया, अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा त्रिनावर, समय आ गया है। छोड़ मुझे, छोड़। अवश्य छोड़ूंगा, जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्ना सा बालक, नन्ना सा बालक ऋणा व्रत का वध कर रहा है। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। पंछी, तुम उस तरफ देखो, बोला तुम उधर जाओ। काना, तुम चिंता ना करो यशोदा, मिल जाएगा हमारा काना। तुम रुक कर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा लल्ला को। ना, रुक कर प्रतीक्षा ना होगी मुझसे, मैंने अकेला छोड़ा था उसे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो काना। नहीं, त्रिनावर काना, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए काना। काना,
कुछ पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम असुर तृणावर्त थे और अब मेरे भक्त सहस्राक्ष, जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्राक्ष, तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी, तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। एक ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा। मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम, ये मेरा शाप है तुम्हें। दया महर्षि, दया, मुझे अहंकारी पर दया कीजिए, मुझे अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो, सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी, स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था शास्त्राक्ष, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कान्हा, आप ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ।